इफ यू नो दैट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलीगैमी, तो पॉलीगैमी वॉज समवेयर इन द रिलीजन एंड एट द सेम टाइम लेटर वैदिक पीरियड में देर इज एन ऑल्सो पॉलीगैमी बिकम मोर इंपॉर्टेंट. पॉलीगैमी बिकम इन द लेटर वैदिक पीरियड, पॉलीगैमी बिकम, आपको पता है ना लेटर वैदिक पीरियड में कौन थे, जैसे यदि हम रामायण की बात करेंगे तो कितनी रानियां थी किसकी, दशरथ के ही ना, यस जो भी थी जितनी भी थी. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, सो पॉलीगैमी बिकम इन द लेटर वैदिक पीरियड इट बिकम मोर इंपॉर्टेंट एंड दैट हैज बीन ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड ड्यूरिंग द व्हाट, मुस्लिम इन्वेजन, यस और नॉट. सो मुस्लिम इन्वेजन ऑल्सो, लेकिन वो मुस्लिम में हम लोग देखेंगे, दैट रीजन आई सेड दैट राइट डाउन. थ्रू रिलीजियस टेक्स्ट रॉन्ग इंटरप्रिटेशन इन द लेटर वैदिक फेज, इन द लेटर वैदिक फेज पॉलीगैमी वॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस डन इन द पैट्रियार्कल सोसाइटी. Which was more prevalent till 18th and 19th century but through cascading regulations made regarding polygamy after independence it became illegal. आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, why northern India is less developed and southern India is more developed? Why northern India is less developed and comparatively southern India is more developed? ये तो पता है ना, Karnataka, Tamil Nadu, these are Andhra, Kerala, they are more developed than Maharashtra. आज के हिसाब से ही बात किया जा रहा है, 19th century के समय से भी बात किया जा रहा है. नहीं नहीं, ये कर्नाटिक वार, मैसूर वार, सारे जग रहे हैं वो हुआ है. आज भी आप जाओगे ना तो वहां पे दिखाया जाएगा मैट्रियार्कल सोसाइटी. वहां पे कौन सा सोसाइटी दिखाया जाता है, और जहां पे सोसाइटी में इक्वालिटी आ जाता है वहां पे डेवलपमेंट आ जाता है. सेकंड चीज, दे आर व्हाट इज इन अ कोस्टल प्रॉक्सिमिटी लेड टू द डेवलपमेंट, अंडरस्टूड. वहां पर मोर ऑफ सोशल इक्वालिटी रैदर देन द नॉर्थ. नॉर्थ में पेट्रियार्कल आज भी यू आर एबल टू सी मोर, एंड साउथ में देखो, यदि हमारे यहाँ नॉर्थ का रहता है, यहां से लड़कियों को भेजना साउथ में लोग सेफ नहीं समझेंगे, बहुत कम भेजेंगे. आज देखो साउथ की सारी लड़कियां इधर आकर पढ़ते रहती हैं, करते रहती हैं. मत आप जाओगे तो वुमन आर व्हाट इज इन अ मोर इम्पोर्टेंट. जस्ट मैं एक क्वेश्चन पूछा, और क्योंकि मैं ज्योग्राफी में पढ़ाता हूँ, that is in a why there is in a development in more south not in the north, and that is I said that one reason. Jab hum log population structure ko dekhte hain and all, demography ko bhi dekhte hain, less demography more illiteracy and all, ye to factor hai hi, but iske bawajood we are saying that during the colonial power they are what is in a they are what more patriarchal rather matriarchal, and at the same time coastal proximity help them to, yadi hum log kuch sugar produce karenge to hum log videsh nahi bhej sakte. Can we send it to export to the world? No. But if the Tamil Nadu is producing, Maharashtra is producing another, they are what is in a, exporting it to the what? So, hamara sugar India mein consume hota hai. And the southern countries, what is in a produce goods, mostly it is in the world market. The reason behind so many things are there, just maine ek aapse question kiya. So, what the last line I have said that?
तो आज के डेट में, लेकिन मुस्लिम में चलता है ना. सो दैट हैज टू बी, आई सेड दैट वहां पे अगेन देर इज ए ग्रेट नीड टू रिफॉर्म. नेक्स्ट पॉइंट, पॉलीगेमी आइडल वर्शिप, विच आई सेड दैट इन द रिलीजन आइडल वर्शिप. आई सेड आइडल वर्शिप कहां पे देख रहे हैं आप ज्यादा? वेन यू विल बी एबल टू सी मोर व्हाट इज एन गॉड एंड गॉडेसेस आर कमिंग इन टू मोर इन द, आई सेड दैट इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस बाय द हिंदूस. विच पीरियड कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो आप एक समझदार व्यक्ति है. यू आर ऑल ऑफ यू आर ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग हैविंग एन सम लॉजिक. कैन यू से दैट विच पीरियड कुड बी पॉसिबल दैट द आइडल वर्शिप बिकम मोर इम्पॉर्टेंट? गुप्ता पीरियड से पहले से वो तो चलने लग गया था, लेकिन उसके बाद सडनली खत्म हो गया था. जैनिज्म एंड बुद्धिज्म ने इसको दबा दिया था. और तो वहां से तो सेवाइड्स आए, नयनार्स आए, ये सारे आए. ठीक है, तो साउथ इंडिया में है. कौन से पीरियड में है? इन विच पीरियड? 10th सेंचुरी एडी. इन विच एडी? 10th सेंचुरी एडी. विच एडी? साउथ इंडिया में दे बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट. लेकिन इससे पहले आपको आर्किटेक्चर कभी पढ़ा है आपने? टेम्पल्स पढ़ा है आपने? यस पढ़ा है ना आपने टेम्पल्स, आर्किटेक्चर एंड ऑल. यस, उसमें किसकी किसकी फोटोज बने रहते हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस. तो ये कब से आप देखोगे? इफ यू सी दैट 9th सेंचुरी एडी के बाद मुस्लिम इन्वेजन, थोड़ा सा द 9th सेंचुरी एडी के बाद चंदेला फर्स्ट इन द व्हाट आई सेड दैट इन द रीजन ऑफ एमपी एंड ऑल, लॉट्स ऑफ टेम्पल्स, लॉट्स ऑफ गॉडस, गॉड्स एंड गॉडेसेस. और एक ही गॉड नहीं होते थे, वहीं पर दिखाया जाता पंच. कौन सा बोला जाता है? पंचयत्ना. कौन सा स्टाइल? मीन्स एट द सेंटर वन गॉड एंड देर इज एन व्हाट सराउंडेड बाय फोर अदर माइनर गॉड्स. अंडरस्टूड? देख, कभी मंदिर में गए होंगे, यहां पे किया पूजा, फिर उसके बाद ये वो वहां पे भी आप अपना ऐसे ऐसे करके आ जाते हो. देखा होगा आपने पंचयत्ना स्टाइल, इट हैज बीन डन. तो ये कहां से आया? इट इज अर्लियर. यदि आप थोड़ा सा जस्ट मैं एक आइडिया दे रहा हूं, इफ आई एम सेइंग दैट लास्ट वन इट इज, आई सेड दैट हु हैज बीन रिमूव्ड, हु हैज किल्ड लास्ट रूलर ऑफ मौर्यास. यस, पुष्यमित्र सुंगा बृहद्रथ मौर्यास. फिर उसके बाद दिस सुंगा डायनेस्टी हैज गॉन डाउन. फिर नीचे में आते हैं, देर इज एन, आई सेड दैट अगेन देर इज एन ग्रेटेस्ट फॉलोअर ऑफ व्हाट इज एन हिंदुइज्म एंड ऑल. कौन आ गया? ब्राह्मण सत्वाहना. यदि देखा जाएगा सत्वाहना पीरियड में ही पेट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म एंड ऑल, बट ही डिड नॉट. इंडिया में बुद्धिज्म हैज नॉट बीन एबल टू ग्रो. सत्वाहना हैज व्हाट? ब्राह्मणिकल. सो सुंगा के बाद आई सेड दैट कनवा डायनेस्टी, सत्वाहना डायनेस्टी, आई सेड दैट राष्ट्रकूटा. राष्ट्रकूटास में आप जाओगे तो एवरी वन इज इंद्र वन, इंद्र टू, कृष्ण वन, कृष्ण एंड देन दीज आर द नेम इफ यू आर सीइंग. सो आफ्टर द 9th सेंचुरी एंड सॉरी आई सेड दैट 6th 7th सेंचुरी ऑनवर्ड द ब्राह्मणिकल एस्पेक्ट बिकमिंग स्ट्रॉन्गर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया. यस, विद द डिफरेंट बिलीफ्स, with the different beliefs, not one beliefs, with different beliefs, different kind of what? God become important. In the 9th and 10th century in the southern India, Vishnu and Shiva become very much important. Vishnu and Shiva, therefore in the architecture, if you go in the southern style, after the 8th century AD, in the slowly and slowly,